नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉर्ड न्यूज। आइए जानते हैं क्या है आज विदेशों से मुख्य खबरें। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा ऐलान किया गया है जिसके तहत बैकपैकर्स वीजा को पर्यटकों के लिए फ्री कर दिया। जी हाँ, इस बैकपैकर्स वीजा को आधिकारिक रूप से सब क्लास 417 और सब क्लास 462 कहा जाता है। इस वीजा के तहत पर्यटक जो कि 18 से 30 वर्ष के हैं, यहाँ पे अस्थायी रूप से काम कर सकते हैं और पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं। लेकिन दुख वाली बात यह है कि ये वीजा भारतीयों को नहीं मिलता, जबकि यहाँ पे घूमने वाले सबसे ज्यादा युवक भारतीय होते हैं। अक्सर जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो कपल्स को प्राइवेसी नहीं मिल पाती, प्राइवेसी में दिक्कत होती है और ना ही वो रोमांस कर पाते हैं। ऐसे में अमेरिका में कैसीनो के लिए मशहूर लॉस वेगास एयरलाइंस ने कपल्स के लिए ऑफर निकाला है जिसमें उनकी प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाएगा और साथ साथ वो रोमांस भी कर सकते हैं। अगली खबर चीन से आ रही है। दरअसल चीन अपने देश में जीरो कोविड पॉलिसी को अपना रहा है, जिसके तहत चीन इंपोर्ट किए गए फल और फ्रोजन फूड्स को सख्त निगरानी में रख रहा है। ऐसे में वहाँ के किसानों को काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। चीन ऐसा तब कर रहा है जबकि ये साबित हो चुका है कि ऐसे प्रोडक्ट से वायरस नहीं फैलता। इसी के साथ ही साथ 2020 में दक्षिण पूर्वी एशिया से चीन को लगभग 45 करोड़ का निर्यात हो चुका है। शायद आपको याद होगा कि कोविड-19 के शुरुआती समय में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने विटामिन डी को लेने की सलाह दी थी। उनके अनुसार विटामिन डी की अगर गोलियां पर्याप्त मात्रा में ली जाए तो ये कोविड-19 से हमारा बचाव करती है। अब इसकी पुष्टि की जा चुकी है। जी हाँ, इसराइल के वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने देखा कि जिन व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी थी उन्हें 14 गुना ज्यादा खतरा था। आइए जान लेते हैं क्या है अब दुनिया भर के कोविड अपडेट्स। दुनिया भर में 18.25 लाख नए केस मिले हैं। इसी के साथ ही साथ 25.97 लोग ठीक भी हुए हैं और लगभग 8,000 लोगों की मौत हो गई है। देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए सी लॉर्ड न्यूज के साथ।